पिछले क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का डिटेक्शन पढ़े थे। आज हम लोग हैलोजन और फास्फोरस का डिटेक्शन पढ़ेंगे और हैलोजन और फास्फोरस का डिटेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे इन क्वालिटेटिव एनालिसिस के चैप्टर। तो हम लोग अगला जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो है हैलोजन का टेस्ट, टेस्ट ऑफ हैलोजन, टेस्ट ऑफ हैलोजन। हैलोजन में भी इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही है और ये टेस्ट हम लोग चौथा टेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जब हैलोजन का टेस्ट करते हैं हम लोग तो इसको जो सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है उसको पहले आप HNO3 के साथ हीट कर लेते हो और उसके बाद AgNO3 ऐड करते हो। सोडियम एक्सट्रैक्ट को आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे बॉइल्ड विथ HNO3 और दूसरा आप फिर ऐड AgNO3। जो पहला स्टेप है जो बॉइल्ड विथ HNO3 लिखा गया है वो इसलिए किया जाता है कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कार्बन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो तो इन सभी का प्रिसिपिटेशन हो जाए, इन सभी का रिमूवल हो जाए। वरना अगर आप रिमूवल नहीं करते हो तो आपके पास AgNO3 AgCN का प्रिसिपिटेट, Ag2S का प्रिसिपिटेट भी दे देगा और प्रिसिपिटेट देकर के आपको फॉल्स टेस्ट देगा हेलाइड्स का। ठीक है, तो HNO3 इज यूज्ड सो दैट कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बॉइल्ड ऑफ बाई ऑक्सीडेशन। इफ दीज एटम्स आर नॉट रिमूव्ड देन दे विल गिव प्रिसिपिटेट विथ AgNO3 एंड फॉल्स टेस्ट ऑफ हेलाइड आकर। तो फॉल्स टेस्ट होगा हेलाइड का वो आकर हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर आपके पास कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोनेट हो जाएगा और AgNO3 के साथ आपके पास Ag2CO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा और जिससे कि आपको लगेगा कि हेलाइड ही प्रेजेंट है। अगर आपके पास साइनाइड आयन है वो AgNO3 के साथ AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCN दे देगा, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। सल्फर हालांकि अलग तरह का प्रेसिपिटेट देगा लेकिन फिर भी आप सल्फर को भी हटाना चाहोगे। सल्फर जो है ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है लेकिन फिर भी आप हटाना चाहोगे ताकि प्रेसिपिटेशन इन सब का ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉइलिंग करते हैं HNO3 के साथ सोडियम एक्सट्रैक्ट का, ताकि जो आपके पास सॉल्यूशन, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट है तो वो सब रिमूव हो जाए। और उसके बाद जब कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब रिमूव हो गया हो इसके बाद फिर क्या करोगे आप, AgNO3 ऐड करोगे एंड देन आफ्टर जब आप हेलाइड के साथ AgNO3 ऐड करोगे तो आपको AgS का प्रिसिपिटेट मिल जाएगा, प्लस NO3 माइनस बनेगा। अगर आपके पास सोडियम एक्सट्रैक्ट है मतलब NaX है, Na प्लस ये माइनस, तो आपके पास NaNO3 मिल जाएगा यहां। अब इस AgX के प्रॉपर्टी से आप पता कर पाओगे कि जो आपका हैलोजन है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। इफ AgX इज व्हाइट प्रिसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन देन X इज क्लोरीन। इफ AgX इज पेल येलो प्रेसिपिटेट एंड सॉल्युबल इन अमोनिया
ammonia solution, then X is bromine. और फिर अगर आपके पास जो AgX है, AgX is yellow precipitate and not soluble in ammonia solution. Ammonia solution, then X is iodine. तो ये जो है आपके पास तीन टेस्ट, तीन तरह का हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसके मदद से आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपके पास जो हैलोजन है वो क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है. अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है सोलोबल एमोनिया में तो क्लोरीन होगा, अगर पेले येलो प्रेसिपिटेट है सोलोबल एमोनिया में तो ब्रोमीन होगा, और अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेट है और सोलोबल एमोनिया नहीं सोलोबल एमोनिया में तो आपका आयोडीन होगा. देखिए इसमें से एक सवाल हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो कि हैलोजन पे ही बेस्ड है और एज वेल एज जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं डिफरेंट चैप्टर्स उस पे बेस्ड है. क्वेश्चन ये है, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन AgNO3 इज एडेड टू कंपाउंड ए With formula C6H13Cl. Compound A on treatment with alcoholic KOH gives a mixture of two isomer. Isomeric form B and C. Having molecular formula C6H12L. The mixture B and C. On ozonolysis furnaces compounds CH3CHO, B, C2H5CHO, C, CH3CO, CH3, and D, CH3CH, CH3, and CHO. आपको डिटरमाइन करना, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए. और जो टेस्ट है वो भी देना है. तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है AgNO3 के साथ जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C13HCl में AgNO3 डालते हो. कंपाउंड ए को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये दो आइसोमर देता है, बी और सी, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला जो है C6H12L. जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास C6H13Cl UF फैक्टर आपके पास यहां पे जीरो है. UF फैक्टर आप समझते हो, कंसंट्रेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, 6 है तो 14 होना चाहिए था टोटल का हाइड्रोजन, अभी 13 और एक इसके पास पड़े एक हाइड्रोजन लेते ही है तो 14 है, तो UF फैक्टर जीरो है. इसको आपने AgNO3 के साथ ऐड किया है तो आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट. इसके बाद जो है आपके पास आपने कहा हुआ है कि इसको अगर आप KOH से पास करोगे तो आपके पास C6H12L का दो फॉर्म मिलेगा, B और C. मतलब इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन, इसमें क्लोरीन का पोजीशन इस तरह से है कि डबल बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है. और उसके बाद कहा गया है कि द मिक्सचर बी एंड सी, बी और सी का जब आप ऑजोनोलिसिस कराओगे, ऑजोनोलिसिस करा रहे हो तो आपको दो ये चारों कंपाउंड बन रहा है. जैसा कि आप समझ सकते हो ये कि आपका जो कंपाउंड होना चाहिए वो दो मिल करके छह कार्बन पूरा होना चाहिए, तभी तो आपके पास C6H12 होगा. इसका मतलब अगर हम बी को मान लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी और सी की बात करते हैं अगर हम, तो अब देखिए आपके पास तीन कार्बन है यहां पे और तीन कार्बन है यहां पे, तो तीन तीन मिलकर के छह बनेगा और ये आपके पास दो और वहां पे चार,
तो आप ऐसा मान लो कि CH3CHO इससे बन रहा है प्लस CH3CHO इससे बन रहा है, क्योंकि आपको टोटल मिला के 6 काउंट पूरा करना है। यहां पे आपको मानना चाहिए C6H5CHO अब प्लस CH3COCH3, यहां भी आप 6 काउंट पूरा कर लिए। इस तरह से आप B और C का स्ट्रक्चर आप आसानी से पता कर लिए। देन B इज नथिंग बट आप देख सकते हो C2H5CH डबल बॉन्ड CCH3 और CH3। अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तभी आपके पास ये फॉर्मेशन होगा। और C को आप ये समझ सकते हो कि CH3CH CH3 और उसके बाद हो जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आपके पास ये दो जो है आपका B और C है। जब B और C ये है आपका, तो आप A का भी डिटेक्शन कर सकते हो आसानी से। A का भी डिटेक्शन कर सकते हो। आपको क्लोरीन इस तरह से रखना है ताकि आपको ये दोनों बन जाए। तो बेहतर ये है कि हम क्लोरीन को कहां रखें। क्लोरीन को अगर हम आपके पास इन दोनों का फॉर्मेशन करना, आप देख सकते हो यही कॉम्बिनेशन जो होगा वो 6 और 6 प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि आपके पास एक ये सिचुएशन है और आपके पास एक ये सिचुएशन है। अगर हम क्लोरीन को यहां रखते हैं, तो बन जाएगा आपके पास ए का मतलब आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा C2H5 CH Cl CH CH3 और CH3। तो यही होगा। अगर आप एक बार क्लोरीन हटाओगे सीधा सीधा तो यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप फिर Cl प्लस को हटाओगे तो आपके पास प्लस बनेगा, प्लस होगा यहां पे जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो आपके पास ये रियरेंज होकर इधर से बनेगा, सॉरी एक बार इधर से हाइड्रो हटा सकते हो तो बी बनेगा, और एक बार जब इधर से हाइड्रो हटाओगे तो सी बनेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो इस तरह से आप आसानी से डिटरमाइन कर लिए कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बेसिकली आपको ये मेनली अल्कीन का सवाल है जो हम लोग ऑसिलेसिस अल्कीन में पढ़े थे उसके बेस्ट सवाल। और इस तरह का सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स होगा इसी तरह का होगा, तो इसलिए अधिकतर क्वेश्चंस हम लोग इस तरह कर चुके हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को जो डिफरेंट एलिमेंट्स था जो बचा हुआ था उन सब का डिटेक्शन पढ़ना था। अगला और लास्ट टेस्ट है टेस्ट ऑफ फास्फोरस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फास्फोरस में सोडियम फास्फाइड बनाने की बजाय सोडियम फास्फेट बनाना ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सबसे पहले हीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2O। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सोडियम एक्सट्रैक्ट के रूप में Na3PO4 बना लेगा। ये Na3PO4 बनाया, इसको हम लोग क्या करेंगे, Na3PO4 को इसको हम लोग HNO3 के साथ बॉइल कर लेंगे, बॉइल्ड, और आपके पास बन जाएगा H3PO4 प्लस NaNO3। दिस इज थ्री। अब इसके बाद H3PO4 पे आप अमोनियम मोलिब्डेनेट ऐड करोगे NH4 का होल टू MOO4, और ये क्या करेगा HNO3 के प्रेजेंस में, और ये क्या करेगा अमोनियम मोलिब्डेनेट का फॉस्फेट 12MOO3 का येलो प्रेसिपिटेट दे देगा, प्लस NH4NO3 प्लस वाटर। और इसी से आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपके पास कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है। तो गौर कीजिएगा कि फास्फोरस का डिटेक्शन करते समय हम लोग सोडियम फास्फेट का प्रिपरेशन प्रीफर करते हैं रेदर देन सोडियम फास्फाइड का प्रिपरेशन। सोडियम फास्फेट का प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिंपली सोडियम के साथ नहीं हीट करके सोडियम परऑक्साइड के साथ हीट करना होगा। सोडियम परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा और वो Na3PO4 में कन्वर्ट कर देगा, और Na3PO4 में जो कन्वर्ट होगा वो फाइनली क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम मोलिब्डेनम अमोनियम फास्फेट मोलिब्डेनेट के साथ का येलो प्रेसिपिटेट दे देगा जब उसको आप HNO3 और अमोनियम मोलिब्डेनेट के साथ हीट करोगे।
तो इस तरह से आपने डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर लिया है। हम लोग कुछ सवाल करते हैं इन सभी टेस्ट बेस्ड, और उसके बाद फिर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब एग्जैक्टली अमाउंट पता करें कितना होगा। इसे क्वेश्चन है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाई हीटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ ए ऑप्शन इज एपीओ, बी ऑप्शन इज सीएओ, डी सी ऑप्शन इज सीओ एंड डी ऑप्शन इज एमएनओ। द करेक्ट आंसर इज क्लियरली सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, सीओ। कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करके आप सीओ टू का फॉर्मेशन करते हो जो व्हाइट टर्बिडिटी देता है, COH का O2 सॉल्यूशन के साथ, और कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करके हाइड्रोजन के लिए H2O का फॉर्मेशन होता है जो CSO4 को ब्लूइश कलर में कन्वर्ट कर देता है। अगेन क्वेश्चन इज अमोनियम मोलिब्डेनम इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है सल्फर। फास्फोरस इज द करेक्ट आंसर। फास्फोरस जो होगा वो क्या करेगा, अमोनियम मोलिब्डेनम को डिटेक्ट करेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है प्लेसेंजिन टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इन ए ऑप्शन इज NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, बी ऑप्शन इज NH2, सी ऑप्शन इज NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एंड डी ऑप्शन इज C6H5 NHNS2। देखिए लेसेंजिन टेस्ट जो नाइट्रोजन के लिए होता है वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के लिए होता है जहां पे साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, सोडियम साइनाइड, और वो इस केस में तो होने से रहा बिकॉज आपके पास कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, तो लेसेंजिन टेस्ट यहाँ पे फेल कर देगा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है तभी आपके पास सोडियम साइनाइड का फॉर्मेशन होगा जो कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में होता है। और उसके बाद एक सवाल आपको दिया जा रहा है और इसी तरह क्वेश्चन होगा, और इन सभी जो कंसेप्ट को हम लोग सीखे हैं इनको डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा और इन सभी टेस्ट को आपको मेमोराइज रखना है। हम एक सवाल दे रहे हैं मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 आइदर कॉलम 2, ये है प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, बी है प्रेजेंस ऑफ सल्फर, सी है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, और डी है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन सल्फर। पी ऑप्शन है HNO3 AgNO3, की ऑप्शन है Na2 FeCN का होल 5 NO, आर ऑप्शन है कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, एस ऑप्शन है FeCl। आप देख सकते हो हैलोजन का टेस्ट के लिए आपको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करना चाहिए या HNO3 और AgNO3, HNO3 और AgNO3 के टेस्ट करेंगे, जैसा कि आपको पता है पी। अगर आप बी की बात करो सल्फर का डिटेक्शन करने के लिए आपको क्यू के साथ करना है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, जिसके साथ एक वायलेट कलर का सॉल्यूशन मिलता है, वायलेट कलर का सॉल्यूशन मिलता है। सी की बात करें नाइट्रोजन के साथ, अगर आपको करना है तो आप आर पे जाओगे, नाइट्रोजन का अगर आपके पास
करना है तो आप आर को करोगे और उसके बाद अगर आप डी की बात करो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो फिर सीएल थ्री के साथ आपको ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो दीज आर द ऑप्शंस दैट वी कैन सी इट. एक्चुअली मैं ऑप्शंस डायरेक्टली मैच कर गया इसलिए कंफ्यूजिंग खतरा. एनीवे तो दीज आर द टेस्ट जो कि हम लोग को पढ़ना है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इन सभी बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारे जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे और कर चुके हैं अभी.